नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। विजयदशमी की संध्या जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर स्थित वीर कुंवर सिंह मैदान में इस बार 51 सीट के रावण का पुतला दहन किया गया, जहां मुख्य अतिथि स्वरूप पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस सम्मानित अतिथि के रूप में समाज सेवी अमरप्रीत सिंह काले उपस्थित हुए। इस वर्ष दशहरे पर 51 फीट का रावण का पुतला बनाया गया, जिसे मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा के हाथों दहन किया गया। बता दें, इस 51 फीट के रावण के पुतले को बंगाल से आए कारीगरों ने बनाया था। वहीं इस मौके पर आतिशबाजी तकरीबन 3 घंटे तक चली। इस 51 फीट के रावण के पुतले दहन को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। घंटों तक पटाखे की आवाज़ गूंजती रही और रावण जलता रहा। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा के मौके पर यहाँ 51 फीट पे रावण का पुतला दो दो कर जल उठा। घंटों तक पटाखे की आवाज गूंजती रही। इस कार्यक्रम में 5,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। रावण के प्रतीक के रूप में रावण के लोग ऐसे आयोजनों के माध्यम से ऐसे आसुरी शक्ति से लड़ने का सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करें। समाज में विजयादशमी रावण और नए ऊर्जा के साथ संकल्प भारत के लिए नागरिक के लिए आवश्यक और ये आयोजन के माध्यम से न केवल एक आकर्षक दृश्य देखने को मिलता है, बल्कि एक रचनात्मक भूमिका निभाने का साहस और एक संकल्प। क्या कहना चाहेंगे? विजयादशमी के उपलक्ष में गोविंदपुर जमशेदपुर वासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ ये कहना चाहते हैं इस झारखंड वासियों से, देशवासियों से, कि व्यक्ति कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा पराक्रमशाली हो, यदि उस व्यक्ति में न्याय का गुण ना हो, सामाजिक ना हो, तो वो व्यक्ति को समाज में कोई स्थान नहीं है। रावण विद्वान थे, महाप्रकांड पंडित थे, धनशाली थे, बलशाली थे, लेकिन उनका जो आचरण रहा, जो रामायण में वर्णित है, उसके अनुसार समाज ने उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए आज ही के दिन भगवान श्री राम ने रावण को वध करते हैं। रावण समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम से एक संदेश देते हैं कि बुराई का स्थान नहीं है। इसलिए अपने अंदर और समाज में जो भी बुराई है, जो भी है, उसको त्यागना है, उसको हटाना है और एक बेहतर समाज का निर्माण है, जिस समाज में सब समाज